फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत शानदार लेसन और बहुत जरूरी लेसन, क्योंकि आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हो या एडवांस, इस बात को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, पार्ट 48 में मैंने आपको सिखाया कि आपको आर्टिकल कहाँ यूज करना चाहिए, यानी ए एंड द का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते हैं, यानी अगर आप वहाँ करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लैंग्वेज यानी कोई भाषा या जुबान, कलर यानी कोई रंग, और सब्जेक्ट के नाम के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज के नाम के पहले यानी इंग्लिश और हिंदी के पहले आप कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू लर्न बंगाली, तो फ्रेंड्स यहाँ बंगाली एक लैंग्वेज है जिसके पहले आप कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिस इज रेड, रेड कलर का नाम है, इसलिए इसके पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं दिस इज द रेड या दिस इज अ रेड। दिस शर्ट इज ब्लू, आप नहीं कह सकते हैं द ब्लू या अ ब्लू, क्योंकि कलर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आई टीच मैथमेटिक्स, फ्रेंड्स मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए मैथमेटिक्स के पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई लैंग्वेज या कलर या किसी सब्जेक्ट के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखें। दिनों के नाम यानी डेज, महीनों के नाम यानी मंथ्स, और किसी फेस्टिवल के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, आप यहाँ पर द मंडे नहीं कर सकते, अ मंडे नहीं कर सकते, क्योंकि मंडे एक दिन का नाम है और दिन के नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं। अगर आपको कहना हो कि मार्च है तो आप कहेंगे इट इज मार्च, आप ये नहीं कह सकते हैं इट इज द मार्च, क्योंकि महीनों के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। शी रिटर्न्स फ्रॉम मुंबई ऑन होली, तो फ्रेंड्स होली एक फेस्टिवल का नाम है, इसीलिए आप ऑन द होली नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि दिन, महीना और किसी फेस्टिवल के नाम के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और ऑब्जेक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ये दो ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। सबसे पहले हम मटेरियल नाउन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नाउन के बारे में भी जानेंगे। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर, यहाँ वाटर एक मटेरियल नाउन है यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए आप वाटर के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क, फ्रेंड्स यहाँ पर मिल्क एक मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आप द मिल्क नहीं कह सकते, यानी मिल्क के पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि सोना महंगा धातु है तो आप कहेंगे गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि गोल्ड के पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। आइए फ्रेंड्स अब ऑब्जेक्ट नाउन का कुछ एग्जांपल्स देख लें। अगर आपको कहना हो कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो आप कहेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि ऑनेस्टी जो एक ऑब्जेक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा है, जिसके पहले मैंने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। मर्सी इज द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड मर्सी एक ऑब्जेक्ट नाउन है, इसीलिए वर्ड मर्सी के पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने ये बात समझा कि मटेरियल नाउन या ऑब्जेक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है जो आपको जानना होगा, अगर आप मटेरियल नाउन जब इस तरह के नाउन को डेफिनेट करना होता है तो इनके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज नॉट प्योर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि आपके रिंग का सोना प्योर नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ गोल्ड को डेफिनेट कर दिया, यानी मैं ये नहीं कहना चाहता कि दुनिया में जितने भी सोना है सब प्योर नहीं है, बल्कि मैंने तो किसी खास गोल्ड की बात किया, या फिर मैंने गोल्ड को डेफिनेट कर दिया
निश्चित कर दिया। We should appreciate the honesty of Raju। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने ऑनेस्टी के पहले द का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे सेंटेंस का मतलब है कि राजू की ईमानदारी की तारीफ की जानी चाहिए, यानी यहाँ पर ऑनेस्टी को मैंने डेफिनेट कर दिया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मैं सबकी ईमानदारी की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी खास इंसान की ईमानदारी की बात कर रहा, यानी मैंने यहाँ पर नाउन को डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया, इसीलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात याद रखेंगे कि किसी मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, या अगर आप इस तरह के नाउन्स को डेफिनेट कर दें तो फिर आप उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स नेम ऑफ मील्स यानी खाने पीने वाली वस्तुओं के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस, मैं नहीं कह सकता आई ईट द राइस। क्या आप रोटी खाते हैं, डू यू ईट ब्रेड, आप नहीं कह सकते डू यू ईट द ब्रेड। मैं सुबह में नाश्ता करता हूँ, मैं कहूँगा आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यानी मैं ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने खाने पीने वाले वस्तुओं के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया, यानी मैंने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव आए, जैसे अच्छा, खराब, तीखा, मीठा, तो फिर आप आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे वे बहुत अच्छा खाना दिए, दे ऑफर्ड अ नाइस डिनर। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि नाइस के पहले आया एक एडजेक्टिव, इसीलिए आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर पाए। अगर यहाँ पर वर्ड नाइस नहीं रहता तो आप आर्टिकल का यूज नहीं कर पाते। वी हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ डिलीशियस के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखते हैं। पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट यानी दिन रात के हिस्सों के नाम के पहले तब आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जब उनके पहले एट, बिफोर, आफ्टर या बाई का यूज हुआ हो, जैसे सी केम टू मी एट नाइट। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, सी केम टू मी एट द नाइट, यहाँ नाइट के पहले एट है, तो फिर इन दोनों के बीच में आप किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दे मीट मी बिफोर द इवनिंग, ये सेंटेंस गलत है, इसका करेक्ट होगा दे मीट मी बिफोर इवनिंग, यानी इवनिंग के पहले बिफोर आया है, इसलिए आप इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सी विल कम हियर बाई नाइट यानी वह रात तक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं by the night, यानी आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखते हैं। मींस ऑफ कम्युनिकेशंस आर ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स यातायात के साधनों के नाम के पहले अगर by लिखा हो तो फिर आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, जैसे ही लेफ्ट फॉर डेली बाई एरोप्लेन, आप ये नहीं कह सकते बाई एन एरोप्लेन, क्योंकि अगर यातायात के साधन के नाम के पहले बाई लिखा हो तो फिर आर्टिकल का कोई जगह नहीं है। सी विल कम बाई ट्रेन, आप ये नहीं कह सकते हैं सी विल कम बाई अ ट्रेन, ऐसा कहना गलत होगा। सी इज नॉट कमिंग बाई बस, आप इस सेंटेंस को ऐसा ना कहें सी इज नॉट कमिंग बाई द बस या बाई अ बस, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का कोई जगह नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी ऑर्डिनल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनसे क्रम का पता चलता हो, संख्या का नहीं बल्कि क्रम का पता चलता हो, तो इस तरह के वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई एम द फर्स्ट, यू आर द सेकेंड या द नेक्स्ट बॉय। लेकिन फ्रेंड्स अगर इन वर्ड्स के साथ कोई टाइम बताने वाला वर्ड जुड़ा हो तो फिर आप इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे सी केम हियर द लास्ट संडे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि लास्ट के साथ एक टाइम बताने वाला वर्ड जुटा हुआ है जो है संडे, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मैंने किया है इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। आप इस सेंटेंस को कहेंगे सी केम लास्ट संडे, ही विल मीट मी द नेक्स्ट मंडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द का यूज गलत है क्योंकि नेक्स्ट के साथ एक टाइम बताने वाला वर्ड आया हुआ है, इसलिए आप इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे ही विल मीट मी ऑन नेक्स्ट मंडे। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखते हैं। ये सभी वर्ड्स यानी बिफोर, आफ्टर, एट सनराइज या सनसेट के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे यू हैव टू रीच हियर बिफोर सनसेट, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं यू हैव टू रीच हियर
बिफोर द सनसेट, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के साथ आर्टिकल नहीं आते। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज तब नहीं किया जाता जब वहाँ का मकसद ही वही हो, यानी वहाँ का पर्पज या उद्देश्य ही वही हो। जैसे कॉलेज का पर्पज पढ़ाई लिखाई होना, यानी फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। मंदिर का पर्पज पूजा पाठ करना, फॉर द पर्पज ऑफ प्रेयर। तो फ्रेंड्स, इस तरह के नाउन्स जिनका मकसद ही वही हो, जिनका उद्देश्य ही वही हो, उनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आई गो टू स्कूल या आई गो टू कॉलेज। अब यहाँ कॉलेज या स्कूल के पहले आप आर्टिकल का यूज ना करें। आप नहीं कहें आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द कॉलेज। सी वेंट टू जेल। फ्रेंड्स, यहाँ जेल के पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। आप नहीं कह सकते हैं ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल का पर्पज इलाज होना ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अगर इन नाउन्स के पास यानी इस तरह के जगह पर जाने का मकसद कुछ और हो, यानी वो जिसके लिए है वो न हो, तो फिर आप आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ कॉलेज के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे कॉलेज जाने का मकसद पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, यानी वो जगह जिस मकसद से है मेरे जाने का मकसद वो नहीं है। आई फाउंड हर नियर अ चर्च। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ चर्च के पहले मैंने एक आर्टिकल का इस्तेमाल किया। यहाँ मेरा चर्च जाने का मतलब प्रेयर करना नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं चर्च का पर्पज प्रेयर करना होता है। प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन मतलब इना, मीना, रिका, रिका, फीका, ये सभी प्रॉपर नाउन हैं, और इन सब के साथ किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे अगर आपको कहना हो तानसेन एक महान गायक था, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि प्रॉपर नाउन तानसेन के पहले मैंने द का इस्तेमाल नहीं किया, यानी मैंने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। रेखा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन माई क्लासरूम। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि प्रॉपर नाउन रेखा के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खास बात है जो आपको जानना होगा। अगर हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह करें, तो फिर यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर आप किसी इंसान को देखकर कहते हैं ही इज अ शेक्सपियर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वो एक शेक्सपियर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड शेक्सपियर का इस्तेमाल हम प्रॉपर नाउन के जैसा नहीं किए, बल्कि हम कॉमन नाउन के जैसा किए, इसलिए यहाँ शेक्सपियर के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया। सपना इज द लता ऑफ माई विलेज। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि सपना मेरी गाँव की लता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड लता के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ वर्ड लता का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के जैसे नहीं हुआ है, बल्कि कॉमन नाउन के जैसे हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्ड लता का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के जैसे करें, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे लता इज अ ग्रेट सिंगर ऑफ इंडिया, यानी लता इंडिया के एक महान सिंगर हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ वर्ड लता का यूज प्रॉपर नाउन के जैसे किया, इसीलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। किसी खेल यानी गेम एंड स्पोर्ट के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आप ये नहीं कह सकते हैं आई प्ले द क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट किसी गेम का नाम है, और किसी भी खेल के नाम के पहले यानी गेम के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लिखा जाता। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आप ये नहीं कह सकते आई लाइक द प्ले फुटबॉल। वह शतरंज खेलती है, सी प्लेज चेस, आप नहीं कह सकते सी प्लेज द चेस, क्योंकि ये किसी गेम का नाम है और गेम के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आते। फ्रेंड्स, जब कॉमन नाउन का यूज वाइडेस्ट सेंस में हो, यानी व्यापक रूप से हो, तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे काउज आर व्हाइट, गायें सफेद होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वर्ड काउ का इस्तेमाल किसी खास या थोड़ी गायों के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने वर्ड काउज का यूज वाइडेस्ट सेंस में किया, यानी व्यापक रूप से किया, सभी गायों के बारे में बात किया, इसीलिए यहाँ पर
कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यू आर अ गुड मैन, आप एक अच्छे आदमी हैं। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैन के पहले मैंने एक आर्टिकल बोला अ, लेकिन अगर वर्ड मैन का इस्तेमाल मैं व्यापक रूप से करूँ तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे इंसान मरणशील होता है या नाशवान होता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मैन इज मॉर्टल, यानी हर इंसान को मरना है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ मैन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर वर्ड मैन का यूज मैंने व्यापक रूप से किया, यानी किसी दो चार आदमी या किसी ग्रुप के बारे में बात नहीं किया, बल्कि मैंने सभी इंसान के बारे में बात किया, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आया। फिश लिव इन वॉटर, मछली पानी में रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड फिश के पहले कोई आर्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर वर्ड फिश का यूज वाइजेस्ट सेंस में हुआ है, व्यापक रूप में हुआ है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड्स डॉग का इस्तेमाल मैंने वाइजेस्ट सेंस में किया, यानी दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं सबके बारे में बोला कि वे वफादार होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब अगला रूल देखते हैं। ये सभी वर्ड्स यानी अपॉइंट, मेड, इलेक्ट और नॉमिनेट के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे ही वॉज इलेक्टेड एमपी, अगर आप कहेंगे ही वॉज इलेक्टेड एन एमपी, तो फिर आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने एमपी के पहले एन का यूज किया, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप कहेंगे ही मेड मी अ मॉनिटर, तो फिर आपके सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि आपने मॉनिटर के पहले अब बोला है, यानी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। आपको कहना चाहिए ही मेड मी मॉनिटर, यानी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड इंजीनियर, ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अगर आप कहें ही वॉज अपॉइंटेड एन इंजीनियर, तो फिर आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखें। नॉर्मली किसी बीमारी के नाम के पहले यानी डिजीज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, या यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, या यू आर सफरिंग फ्रॉम कलरा, या यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, या फिर यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि इन बीमारियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तीन ऐसे बीमारियां हैं जिनके नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द प्लेग, द मम्स, द मीजल्स। ये सभी वर्ड एक्सेप्शन में आते हैं, इनके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।